यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाए। नमस्कार, SBI न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जब से छीनी है तब से बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कल झारखंड हाईकोर्ट से गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा राहुल गांधी को, और अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो अब जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता उनसे छीन ली जानी चाहिए? क्योंकि साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता केवल इसलिए छीनी गई है क्योंकि वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने वाले थे, और यहाँ पर जिस तरीके से अडानी का मुद्दा वो लगातार उठाते हुए नजर आ रहे थे, उसके मद्देनजर भी यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि जिस मामले में राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो साफ तौर पर यही दिखा रहा है कि उन्होंने केवल मोदी सरनेम को लेकर के जो बयान दिया था उसको लेकर के लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने बात किया था नीरव मोदी को लेकर के, सुशील मोदी को लेकर के, तमाम ही उन्होंने ये जो टिप्पणी की थी वो सुशील मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को लेकर की थी, ना कि पूरे मोदी समुदाय को लेकर की थी। अब उनको जिस तरीके से यहाँ पर घेरा जा रहा है वो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से वो भी राहुल गांधी पर या फिर तमाम विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हैं, तो क्या मानहानि का मुकदमा उन पर भी दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसद सदस्यता उनसे नहीं छीननी चाहिए? बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी और किस तरीके से यहां पर बड़ा निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला जब से सामने आया है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सारे मंत्री, सारे प्रवक्ता, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री को सही साबित करने में जुट गई है। और मैं इसको फर्जी डिग्री क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो डिग्री सार्वजनिक की है, प्रधानमंत्री जी की जो डिग्री गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई है, वो डिग्री अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अभी सिलसिलेवार करके मैं आपके सामने बताऊंगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो ना सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर एक, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री कि मास्टर डिग्री ये है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है,
और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है नीचे, उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृहमंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का। तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा, ये किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-06 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े। ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-06 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने कहा, वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं, वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है।
और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है। अर्थात या तो आप की डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है, दो में से एक ही बात हो सकती है। आपका कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में क्या बोला जाए, भ्रष्टाचार तो मोदी जी के साथ आसमान में घूम रहा है। इस भ्रष्टाचार का जवाब कौन देगा? ये भ्रष्टाचार जो आसमान में घूम रहा है, अडानी वाला, जिसमें आराम से लेटे हुए हैं मोदी जी, कह रहे हैं लूट ले बेटा, लूट ले सारा हिंदुस्तान, लूट ले। देखिए आप, ये तस्वीर भूल गए आप, ये अडानी की तस्वीर है। अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के माध्यम से अपनी आर्थिक सत्ता खड़ी की और एक ही व्यक्ति को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, आकाश से पाताल तक सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 86,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया, 38 फर्जी कंपनियां दुनिया के तमाम देशों में अपने भाई के साथ मिलकर खोली, अकेले एक पते पे 6 कंपनी खोलकर मॉरिसस से 42,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगाया गया। ऐसे लाखों करोड़ रुपए का घोटाला और भ्रष्टाचार और काला धन अडानी की कंपनी में लगा है, जिसके हवाई जहाज में बैठकर भारत के प्रधानमंत्री घूमते हैं। आज तक इस घोटाले पर जेपीसी क्यों नहीं बनी? सारी की सारी पार्लियामेंट की पार्टियां एक स्वर में मांग कर रही हैं, जेपीसी बनाओ, जांच तो कराओ। जांच नहीं कराते क्योंकि घोटाले में भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार सर से पांव तक डूबी हुई है। यह है सच्चाई। और कोई प्रश्न हो आप लोगों का? धन्यवाद। अभी मैंने, आप अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे हैं, मुझे इस पूरे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, नफरत की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, समाज को तोड़ने की राजनीति इस देश को विखंडित करेगी और ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगह हिंसा हुई है, उस हिंसा की कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी। पहली बात तो भगवान श्री राम की मर्यादा के विपरीत, उनका जो जीवन चरित्र था उसके विपरीत जाकर अगर हम रामनवमी के जुलूस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की फोटो लेके घूमेंगे तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी व्यवस्था के ऊपर। क्या आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे की तस्वीर का, गोडसे की तस्वीर का रामनवमी के जुलूस से क्या लेना देना है? क्या प्रभु श्री राम ने यही हमें सिखाया है? यही उनकी मर्यादा, यही उनका आदर्श है? रामचरितमानस से हमें यही शिक्षा मिलती है? जो रामचरितमानस कहता है सब नर कर ही परस्पर प्रीति, यानी कि सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें, तो हम किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंसा करने वाले हिंदू धर्म के हों या मुसलमान धर्म के, किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, किसी भी राज्य की हिंसा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ जो लोग कार्रवाई नहीं करते, नफरत की भाषा बोलने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं करती वो सरकारें नपुंसक सरकार है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है। अब तो मोदी जी को और बीजेपी वालों को शर्म करनी चाहिए।
नफरत की बुनियाद पे देश आगे नहीं बढ़ेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे आगे बढ़ेगा। तो सुना आपने, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता उनसे छीनी थी तो कितना बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए, कितने गंभीर आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, क्या वो वाकई सच है? आप इन सभी बातों पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 News।